कल मैंने आप लोगों को बताया था एनालिसिस वीडियो में कि यहाँ पे दो स्टॉक बताए थे और स्टॉक में ये स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है। यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन बताई थी कल की वीडियो में और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छा मोमेंट अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिल जाएगा। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ही सस्टेन करती है तो डाउनसाइड का मोमेंट देखने को मिलेगा और अगर अपसाइड निकलती है तो अच्छा खासा अपसाइड में भी मोमेंट देखने को मिल सकता है, ये मैंने वीडियो में बताया था। अब बिल्कुल इस स्टॉक ने देखिए रेजिस्टेंस तक का टारगेट हमें बिल्कुल अचीव किया है, जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था रेजिस्टेंस के ऊपर निकली है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो चुका था ये स्टॉक और उसके बाद साइडवेज होने के बाद ये स्टॉक यहाँ पे ही क्लोजिंग दे दिया है। तो ये स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया सा प्रॉफिट दिया है। चलिए आज के दिन देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन से दो स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो दो स्टॉक आपके लिए लेके आई हूँ कल के लिए भी दोस्तों। जो भी मैं स्टॉक आपके लिए लेके आती हूँ वो रिसर्च के साथ लेके आती हूँ और पूरी एनालिसिस के साथ लेके आती हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए कहाँ पे एंट्री आपकी होनी चाहिए, कहाँ पे टारगेट होना चाहिए और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये मैं वीडियो में बताती रहती हूँ तो आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए। चलिए पहला स्टॉक मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ, चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है और अगर इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में जो है रेजिस्टेंस बन रहा है बहुत ही सुपर रेजिस्टेंस, बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस बन रहा है स्टॉक में। आप देख पा रहे हैं स्टॉक में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये वाला रेजिस्टेंस है 5080 का रेजिस्टेंस, बहुत ही मजबूत बना हुआ है। एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया हुआ है स्टॉक ने। अगर ये रेजिस्टेंस कल के दिन ब्रेक हो जाता है प्राइस एक्शन के साथ तो हमें अगला रेजिस्टेंस डायरेक्टली 5129 का देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। अगर डाउनसाइड आता है ये स्टॉक इस तरह से इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है जो है 5049 का सपोर्ट, इसे ब्रेक कर जाता है तो अगला सपोर्ट हमें 5021 का देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। तो ये स्टॉक कहीं भी परफॉर्म करे अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट हम इस स्टॉक में निकाल सकते हैं। स्टॉक कौन सा है वो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। दूसरा स्टॉक मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है दोस्तों, इस स्टॉक में भी मैं बताऊँगी किस तरह से ये स्टॉक परफॉर्म करने वाला है। इस स्टॉक पे ज़रूर नज़र बना के रखिए, ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया सा प्रॉफिट देने वाला है इंट्राडे में भी, स्विंग ट्रेडिंग में भी। आप देख पा रहे हैं इस रेजिस्टेंस को बहुत ही बढ़िया से रिस्पेक्ट कर रहा है ये स्टॉक और अगर ये रेजिस्टेंस कल के दिन ब्रेक हो जाता है तो हमें अगला टारगेट इस स्टॉक में जो है 494 का देखने को मिलेगा। अगर 485 ब्रेक हो जाएगा तो 494 डायरेक्टली हमें टारगेट देखने को मिलेगा अपसाइड में और अगर डाउन साइड आता है तो इस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद ही हम पुट साइड एंट्री बना सकते हैं और बढ़िया सा प्रॉफिट हम डाउन साइड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ तक का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है दोस्तों, 467 तक का टारगेट ये स्टॉक हमें दे सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इस स्टॉक पर ज़रूर नज़र बनाए रखिए, ये स्टॉक आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दे के जाएगा। लेकिन आपको एंट्री कहाँ लेनी है वो मैंने बता दिया, नीचे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही एंट्री लेनी है, ऊपर जो मैंने रेजिस्टेंस बताया है 485 का वो ब्रेक होने के बाद ही आपको कॉल साइड एंट्री लेनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक कौन सा है वो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये स्टॉक है हिंडाल्को, हिंडाल्को में बहुत ही बढ़िया सा हमें यहाँ पे एनालिसिस दिख रहा है। प्रायजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, आप देख पा रहे हैं अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। इस तरह से अगर ब्रेकआउट हो जाता है कल के दिन तो भी आप ब्रेकआउट पे प्राइजेक्शन बनने के साथ एंट्री ले सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इस स्टॉक में कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम मैं बताने जा रही हूँ, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी अच्छा खासा मैंने आपको बताया प्राइजेक्शन बन रहा है। अगर बजाज ऑटो में ट्रेंड लाइन की बात करें, ट्रेंड लाइन के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो किस तरह से ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करना है, किस तरह से आपको जो है ट्रेंड लाइन का प्रॉफिट लेना है मार्केट से, ये मैंने पूरा डिटेल में उस वीडियो में बता रखा है, तो वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। वो ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन बन के निकल के आ रही है, मैंने ड्रॉ की हुई है ट्रेंड लाइन, आप देख पा रहे हैं। ट्रेंड लाइन का अगर कल के दिन ब्रेकआउट हो जाता है तो आप कॉल साइड बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं, लेकिन प्राइजेक्शन के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए तो आप इस रेजिस्टेंस का टारगेट अचीव कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहती है मार्केट तो सपोर्ट दिखा देगी हमें, यहाँ तक का टारगेट हमें बिल्कुल ये स्टॉक दिखा देगा जो है 5021 का टारगेट।
तो वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। ऐसे ही स्टॉक में डेली आपके लिए लेके आऊँगी, डेली निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी लेके आऊँगी, वो वीडियो को भी बिल्कुल मिस मत किया कीजिए। अगर मार्केट को सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो देखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।